हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे अमेज़न प्राइम की तेलुगु मूवी बी को, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यारो, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे तेलुगु बिल्कुल भी नहीं आती और मैंने ये पूरी मूवी सबटाइटल्स के साथ देखी है, इसीलिए मैं इस वीडियो में डायलॉग्स की बात नहीं करूंगा। तो चलो मूवी पर आते हैं। तो सुधीर बाबू और नानी स्टारर मूवी वी आज ही अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई है। अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो ये कहानी है डीसीपी आदित्य की, जिसको प्ले कराया है सुधीर बाबू ने, जो कि एक ईमानदार पुलिस वाले हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब एक किलर डीसीपी को चैलेंज करने के लिए मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद कुछ क्लूज छोड़ के चले जाता है। तो क्या डीसीपी इस किलर को पकड़ पाएंगे और ये किलर कौन है और ये लोगों को क्यों मार रहा है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर हम इसकी स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो ठीक ठाक ही है, मतलब जैसा कि हम मूवी में देख ही सकते हैं कि स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन फिर भी स्क्रीन प्ले हमें मूवी के साथ जोड़े रखता है और कुछ पॉइंट्स पे तो सरप्राइज भी करता है। लेकिन हाँ, ज्यादा सरप्राइजेस की उम्मीद से ये मूवी मत देखना। और एक बात जो मुझे इस स्क्रीन प्ले की बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो था रोमांस वाला पार्ट, क्योंकि वो मूवी के पेस को थोड़ा स्लो कर रहा था। और यही बात मैं इसके गानों के लिए भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतने गानों की इस मूवी में जरूरत नहीं थी जितने गाने इस मूवी में हैं। और जिस तरह से कैरेक्टर्स को लिखा गया है वो भी थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी मुझे ये स्क्रीन प्ले पसंद आया। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग करी है, लेकिन इस मूवी की हाईलाइट तो नानी है। उन्होंने जिस इंटेंसिटी के साथ अपने कैरेक्टर को प्ले करा है वो कमाल है, और मुझे उन्हें इस मूवी की असली जान बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और अगर हम म्यूजिक की बात करें तो गाने तो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे काफी अच्छा लगा। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छी मूवी है जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको इस मूवी में ज्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये मूवी इतने अच्छे से तो बनाई ही गई है कि आप इस मूवी को एक बार तो देख ही सको। तो मेरी तरफ से ये मूवी रिकमेंडेड है। और अगर आपने ये मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।